हेलो मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो आपके लिए एक शानदार ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं, जो कि सामने ही खड़ा है सोनालिका सिकंदर DI 745 3i, जो कि 50 HP का ट्रैक्टर है और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। तो फुल डिटेल में इसकी बात करने वाले हैं, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, एक्सोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, पूरी जानकारी देंगे आपको हिंदी में। तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले वीडियो को सामने से शुरू करते हैं ट्रैक्टर की। तो यहाँ पर सोनालिका की बैजिंग मिल जाती है, जो कि काफी उभरे हुए अक्षरों में लिखी है, जो देखने में काफी प्यारी लगती है। और जो इसके स्टिकर दिए गए हैं वो काफी प्यारी लगती है। यहाँ पर DI 745 3i की बैजिंग मिल जाती है और ये जो बम्पर दिया गया हाई वेट के साथ, इसमें बम्पर मिलने वाला है, जिससे ट्राली वगैरह में मेरे किसान भाई चलाते हैं तो इसको आगे से उठने के चांस नहीं रहते हैं। और यहाँ पर एक हुक दिया गया है जैसे टूचिंग वगैरह करने के लिए। और आगे के इसके टायर साइज की बात करते हैं तो ये बड़ा ट्रैक्टर है, 50 HP में ट्रैक्टर है, तो इसमें बड़े टायर मिलने वाले हैं, 7x50 16 इंच के इसमें टायर मिलने वाले हैं बड़े वाले। और जो इसका व्हील दिया गया है वो काफी अच्छा प्यारा लुक में इसका व्हील मिलने वाला है। जो ये लाइट दी गई है इसकी, इसमें आपको हैलोजन बल्ब के साथ लाइट मिलने वाली है, लेकिन बगल में जो इसमें DR लैंप मिलने वाले हैं, जो कि काफी प्यारे लगते हैं। और इस साइड भी आपको DI 745 3i की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर सोनालिका की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर इंटरनेशनल की बैजिंग मिल जाती है, सिकंदर की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 50 कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। और हाई टॉर्क 200 Nm में मिलने वाला है इसमें, और हाई पावर इंजन 1900 RPM पर मिलने वाला है इस ट्रैक्टर में। तो काफी अच्छा ट्रैक्टर है। पंप के बारे में बात करें तो इंडिया का इसमें पंप दिया गया है CAB का, तो पंप भी मिलने वाला है। यहाँ पर 3 सिलेंडर भी मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में। और ये फिल्टर दिया गया है इसका, ये डीजल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है। और इसमें पावर स्टेयरिंग मिलने वाली है, जैसे कि एक सिलेंडर इसमें दिया गया है पावर स्टेयरिंग का, और नीचे रॉड लगाई गई है, तो ये रॉड को ढकेलेगा। इसमें 2 सिलेंडर का ऑप्शन नहीं है, एक ही सिलेंडर मिलने वाला है। और यहाँ पर साइड में टूल बॉक्स के लिए मिल जाता है, यहाँ पर अपने टूल्स वगैरह रख सकते हैं मेरे किसान भाई। अब इसके इंजन के बारे में बात करें तो 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन वाटर कूल्ड डीजल इंजन मिलने वाला है दोस्तों इसमें। डायरेक्ट वाटर कूल्ड इंजन का क्या मतलब रहता है कि जो इसका वाटर कूल्ड लेवल है वो इंजन में डायरेक्ट जाएगा, जिससे आपका ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा। मेरे किसान भाई इसको लगातार चलाते हैं, जैसे 24 घंटे में 24 घंटे ही चलाते हैं, तो इसका इंजन बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। और यहाँ पर एक हुक दिया गया है पकड़ने के लिए, जैसे मेरे किसान भाई ट्रैक्टर पर बैठते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर पांव रखते हैं, यहाँ पर पांव रखते हैं और इसको पकड़कर बैठ सकते हैं। और ये जो लाइटें दी गई है, जैसे कि इंडिकेटर लाइट, ये गोल दी गई है, प्लास्टिक की इसकी लाइटें मिलने वाली है यहाँ पर, जो कि काफी मजबूत मिलने वाली है मेरे किसान भाइयों को। यहाँ पर अलग से डिजाइन निकाली गई है, जो देखने में काफी प्यारी लगती है। जो पीछे के टायर दिए गए, बड़े टायर दिए गए हैं इनमें, जैसे कि इनका साइज है 14x28 के, इसमें बड़े टायर मिलने वाले हैं। और जो ये व्हील दिया गया, व्हील का डिजाइन कुछ इस प्रकार का लगता है, देखने में भी काफी प्यारे लगते हैं। और जैसे मेरे किसान भाई इसमें पानी वगैरह भर के भी चलाते हैं, ब्लास्टिंग की क्रिया करते हैं, तो इसमें 75% टायरों में पानी भरता है, 25% इसमें हवा भरती है। वो क्या होता है कि जैसे मेरे किसान भाई सूखे खेतों में जुताई वगैरह करते हैं, तो उनके लिए पानी भरना पड़ता है, जिससे टायर भी गर्म नहीं होते हैं और जो टायर की लाइफ रहती है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मेरे किसान भाई पानी भर के भी चला सकते हैं, तो वो भी एक बड़े टायर हैं, तो बिल्कुल आसानी से मेरे किसान भाई चला सकते हैं इस ट्रैक्टर को। और पीछे साइड कुछ इस तरह की लाइट मिलने वाली है, जैसे कि ब्रेक लाइट दी गई है, इंडिकेटर लाइट, तो पीछे भी गोल गोल लाइट मिलने वाली है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इस साइड भी। और यहाँ पर एक हैलोजन बल्ब दिया गया है, जैसे मेरे किसान भाई रात में काम करते हैं, ठेसिंग वगैरह करते हैं या जुताई वगैरह भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए एक यहाँ पर एक हैलोजन बल्ब मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छा इसका उजाला भी मिलने वाला है और यहीं से आप जला सकते हैं इसको, तो पीछे यहीं पर बटन भी मिल जाता है। कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 1800 kg की दी गई है, यानी कि 18 क्विंटल की, तो काफी हाई लिफ्ट कैपेसिटी मिलने वाली है मेरे किसान भाइयों को। ये मजबूत लिंकें दी गई हैं और ये हिच दी गई है, और जो PTA राउंड है वो 540 RPM पर मिलने वाले हैं।
और यहाँ पर दो सॉकेट मिल जाते हैं, जैसे कि पल्टी पिलाऊ चलाने के लिए मेरे किसान भाई इसमें पल्टी पिलाऊ आराम से चला सकते हैं, और जैसे ट्राली वगैरह के लिए आपको सॉकेट लगाना है तो यहाँ को इसको आराम से इस तरह से खिसकाइए और अपनी ट्राली का हुक यहाँ पर लगा दीजिए आराम से, और ये ट्राली उठाने के लिए लीवर दिया गया है, यहाँ से आपकी ट्राली उठेगी और इस तरह से नीचे कर दीजिए तो आपकी ट्राली नीचे आ जाएगी। और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, जैसे कि पीछे से वाहन वगैरह आते तो उनको पता चलता रहता है कि आगे कोई वाहन जा रहा है। और यहाँ पर एक वाटर होल्डर भी मिल जाता है मेरे किसान भाइयों के लिए, जैसे कि पानी वगैरह की बोतल रखना है तो यहाँ पर बोतल के लिए भी ऑप्शन रहे। और यहाँ पर लाइट के लिए सॉकेट दिया गया है, जैसे ट्राली वगैरह में लाइट ले जाना है, साउंड वगैरह बजाना है या कुछ भी लाइट जलानी है आपको, तो ये हुक दिया गया है, यहाँ से आप अपना डीसी करंट ले जा सकते हैं। और यहाँ पर भी सपोर्ट के लिए एक डंडा मिल जाता है इस ट्रैक्टर में, और यहाँ पर इसका क्लच मिलने वाला है, इसमें डबल क्लच मिलने वाला है, ये क्लच पैडल दिया गया है, और ये सीट दी गई है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है। मेरे किसान भाई इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे छोटे किसान होते हैं और कुछ बड़े किसान होते हैं तो अपने आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हाथों से। और यहाँ पर एक इसमें बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जैसे कि मेरे किसान भाई यहाँ पर एक कंफर्टेबल से बैठ सकते हैं। यहाँ पर इसमें देख रहे हैं आप छिद्दे वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो यहाँ इसमें कीचड़ वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट के लिए छिद्दे भी दिए गए हैं जिससे आपके इस प्लेटफॉर्म में कीचड़ वगैरह नहीं रुकेगा, तुरंत नीचे चले जाएगा। और यहाँ पर एक जो सेंसर देख रहे हैं आप, इस CL का सेंसर है, जैसे कि इसमें गेज कम होता है तो यहाँ पर तुरंत इंटीग्रेट करने लगेगा, आपको यहाँ पर मीटर वार में तुरंत बताने लगेगा। और ये ब्रेक दिया गया है, इसमें पावर ब्रेक मिलने वाले, ऑयल में डूबे हुए ब्रेक, जैसे ऑयल में डूबे हुए का मतलब ये रहता है कि जैसे मेरे किसान भाई इसको चलाते हैं तो जहाँ पर ब्रेक लगा देंगे तुरंत वहीं पर ट्रैक्टर रुक जाएगा, और ऑयल में डूबे हुए ब्रेकों की एक लंबी लाइफ रहती है। और यहाँ पर एक एक्सीलेटर मिलने वाला है पाँव में, और एक यहाँ पर हाथ में भी मिलने वाला है, और जो स्टेयरिंग दी गई है काफ़ी कंफर्टेबल स्टेयरिंग दी गई है, अच्छी मज़ेदार। और ये मीटर बार दिया गया है, इसमें आपको सोनालिका सिकंदर की बैजिंग मिल जाती है, और जी RPM दी गई है यहाँ पर, जैसे RPM शो करेगा यहाँ पर घंटे शो करेगा कि आपने कितने घंटे ट्रैक्टर चला लिया है, और यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ पर फ्यूल शो करेगा कि आपके ट्रैक्टर में कितना फ्यूल है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर बैटरी शो करेगा कि आपकी बैटरी कितनी परसेंट है। और जैसे कि ये हैजर्ड बटन दिया गया है, इस तरह से आप बटन जलाइए तो आपके चारों इंडिकेटर एक साथ जलने लगेंगे, इससे क्या होता है कि जैसे मेरे किसान भाई रोड वगैरह पे खड़ा करते हैं अपना ट्रैक्टर तो आते जाते वाहनों को पता चलता रहता है कि कोई वाहन खड़ा है, तो ये सेफ्टी के लिए काफी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। मेरे किसान भाइयों को एक यहाँ पर मिरर मिलने वाला है जिससे आप पीछे का आराम से देख सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे, और जैसे कि रोड वगैरह पर चलाते हैं तो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर इसमें बड़ी बैटरी दी गई है, साइड में बैटरी मिलने वाली है, और जो ये साइलेंसर दिया गया है इसका जी काफ़ी लंबा चौड़ा साइलेंसर है, और आप देख ही सकते हैं सोनाली का ट्रैक्टर है, काफ़ी अच्छी बुलंद आवाज़ रहती है इनकी। और यहाँ पर भी इसमें दो फिल्टर मिलने वाले हैं, एक फिल्टर यहाँ पर जो कि ये ऑयल का दिया गया है, जैसे पंप का फिल्टर मिलने वाला है और ये ऑयल का फिल्टर, तो इसको आप जैसे सर्विस पे चेंज करवाना है करवाओ, जैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लग रहा है कि जी मेरा फिल्टर खराब है तो आपको इसको चेंज करवाना है तो आराम से करवा लीजिए, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है मेरे किसान भाइयों को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को बाय।